कोई भी असुर शेष ना रहने पाए। आक्रमण! दैत्य मनु और शत्रुपा का संहार कर सके उसके लिए आवश्यक है कि उन्हें यम और शनि से दूर किया जाए। सर्वप्रथम इस शनि का नाश करो। इससे प्रतिकार चाहिए मुझे। प्रतिकार! आक्रमण! अद्भुत यम, अद्भुत! युद्ध करते रहो यम, युद्ध करते रहो। मनु और शत्रुपा को मेरे पीछे लेकर आओ। हम देव मिलकर आज त्रिदेव की त्रिजन की रक्षा करेंगे और इन दानों का नाश करेंगे। आप दोनों मेरे पीछे रहें। कहीं वो छा में आकर शत्रु के बीच ना पहुंच जाए। मैं कुछ क्षण के लिए क्या गया? तुमने देवासुर संग्राम प्रारंभ कर दिया फिर से। शुक्राचार्य! प्रारंभ नहीं शुक्राचार्य, आज अंत होगा इस संग्राम का और सदा सदा के लिए। ये युद्ध नहीं चाहता इंद्र, ये महादेव के निर्णय के विरुद्ध है। ये दैत्यों की एक भूल है। भूल का परिणाम तो भुगतना होगा ना शुक्राचार्य। मुझे ये युद्ध रोकने दो। मुझे शनि से मंत्रणा करने का अवसर दो। तुम्हें अवसर दिया तो मैं अवसर खो बैठूंगा शुक्राचार्य। शुक्राचार्य! मैं तुम्हें किसी भी दशा में शनि तक नहीं पहुंचने दूंगा शुक्राचार्य।
मुझे मनु और शत्रुपा के साथ रहना चाहिए। यम कहाँ है? सुरक्षित तो है ना? मुझे शीघ्र ही यम तक पहुंचना होगा। अब आप चिंता ना करें, आप सुरक्षित। मुझे स्वयं लड़ने दो सनी। शुक्राचार्य के दिए हुए विशेष अस्त्र का प्रयोग करने का समय अब आ चुका है। लक्ष्य के मध्य यदि बाधा उत्पन्न हो तो पहले बाधा को समाप्त करना आवश्यक है। मनु और शत्रुपा तक पहुंचने के लिए तुम्हारा अंत आवश्यक है। यम यम की रक्षा का वचन देकर आया था, परंतु मनु और शत्रुपा की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है।
यम यम आंखें खोलो यम, आंखें खोलो यम, यम आंखें खोलो, आंखें खोलो यम। माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है यम, यम माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, यम आंखें खोलो, मैं हूँ यहाँ, यम तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो, यम यम। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया था यम, मैं माता की आशा नहीं तोड़ सकता यम, यम 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 यम। परिणाम क्या होगा? आज तुम्हें अपने दुष्कर्मों का दंड मिलेगा व्यक्तगंध। Shanti, 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 Shan
ब्रह्मांड का पात्र केवल व्यक्त कंद नहीं बल्कि तुम सब हो। शुक्राचार्य। जाने दो इन, जाने दो मुझे। मैं शनि को रोक सकता हूँ इन। वही तो मैं नहीं चाहता शुक्राचार्य। आज शनि रुका तो असुरों को समाप्त कर देने का मेरा स्वप्न भी रुक जाएगा। शनि को ना रोका गया असुर का कोई मंच नहीं बचेगा। रुक जाओ शनि, इस सब में असुरों का कोई दोस्त नहीं है शनि, रुक जाओ। महादेव के सृजन पर आक्रमण असुरों ने किया, यम का वध असुरों ने किया, और आप कहते हैं कि उनका कोई दोष नहीं? तो फिर दोष आपका है शुक्राचार्य। जब इस आक्रमण की योजना बनाई गई, मैं अनुपस्थित था शनि, मैं अपने तप में लीन था। व्यक्तगण पथ भ्रष्ट किया गया, उसने ऐसा होने दिया, ये उसका अपराध था। तुम अपराधी को दंड दे चुके हो शनि, परंतु अपने शिष्यों के दुराचरण के लिए उनका गुरु उत्तरदायी होता है। यदि तुम्हें प्रतीत होता है कि मैं दोषी हूं, तो मैं दंड पाने के लिए सज्ज हूं शनि। वचन नहीं निभा पाया माता, मैंने आपको निराश किया माता।
असफल रहा माता। माता माता सुना शनि की पुकार? नहीं, मैं केवल ये प्रार्थना कर रही हूं कि इस बार फिर वो शनि कहीं कोई उद्दंडता ना दिखा दे। तुम्हें अब भी शनि पर विश्वास नहीं? नहीं, क्योंकि मैं केवल अपने यम को सुरक्षित देखना चाहती हूं, और उस शनि के वहां रहते मुझे आभास हो रहा है शनि यम को साथ लेकर लौट रहा है, परंतु मुझे कोई आभास नहीं हो रहा है। और बार बार उस शनि का नाम लेकर मुझे और क्रोधित मत करो। जाओ यहां से। Log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.